नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने घर यानी राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने वाला है और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। लेकिन उससे पहले कल अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक बड़ी अपील कर दी है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आप अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक दिन बताते हुए पूरे देश से इसे उत्सव की तरह मनाने की उन्होंने अपील की है। यानी एक दूसरी दिवाली आप 22 जनवरी को मनाएंगे। सभी भारतवासियों से अपील की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जब वो शुभ घड़ी जब रामलला मंदिर में विराजेंगे उसके बाद आप दीपावली मना सकते हैं। कल अयोध्या दौरे पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भव्य रेलवे स्टेशन समेत करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और इसी दौरान उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देशवासियों से श्री राम ज्योति जलाने की अपील भी की। इसके साथ ही उन्होंने हर मंदिर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाने की बात भी कही है, जिसको देश के नागरिक हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी पीएम ने जितनी गुजारिशें की है, जितने अपील किए हैं, उन सब का असर हमें देखने को मिला है और वही एक बार फिर होने जा रहा है। और अब आपको अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों से अपील क्या है वो भी सुनवाते हैं। भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाएं। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। और 22 जनवरी को अयोध्या में 25 लाख लोगों के आने का अनुमान है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे वो अपने अपने घरों में ही राम के नाम की ज्योति जलाएं। चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने अयोध्या दौरे से क्या कुछ संदेश दिया है। एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम बताएंगे। पीएम का संकल्प क्या रहा है वो बताते हैं। 22 जनवरी को देखिए उन्होंने क्या कहा है कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। पीएम की ओर से यह अपील की गई है। इसके साथ साथ पीएम की ओर से कहा गया कि हर मंदिर में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाएं स्वच्छता अभियान, जिससे कि एक तरफ मंदिर भी स्वच्छ रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ पीएम का यह जो संकल्प है वो भी अपने जो है सक्सेसफुल पॉइंट वहां तक पहुंचेगा। मेरी अपील है अयोध्या आने का मन 22 जनवरी को ना बनाएं, क्योंकि 22 जनवरी को हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है, ऐसे में वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। आज का भारत अपने तीर्थों को संवार रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर दिन 60,000 लोग आ सकेंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प लिया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है, ध्यान आकर्षित किया गया है। कल अयोध्या दौरे पर पीएम ने अयोध्या को कई सौगात दी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक ये सौगात मोदी की गारंटी है। लोग अब याद रखेंगे इस मोदी जी को कि एक मोदी जी आए थे, वाह ऐना और पूरा अवध में राम के लिए ऐना, ऐसे मोदी जी ऐना। तो मोदी जी को बारंबार प्रणाम, पूरा सत्सत नमन कर रहा है पूरा भारत। ये नया भारत अपने इस नए शिल्पकार कर्मठ
और अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले सियासत भी खूब हो रही है। आपको बताते हैं कि किस पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे और राम मंदिर को लेकर क्या कुछ बयान दिया है कि करके इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दोबारा आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता और क्या बयान। बीजेपी की ओर से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम के चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। संजय राउत शिवसेना नेता की ओर से बातें कही गई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो कुछ अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा है। ये किसने कहा है? राशिद अल्वी, कांग्रेस के नेता है। रामलला किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर राजनीति मत कीजिए। उद्धव ठाकरे शिवसेना नेता की ओर से बात कही गई। भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, कब किसको भगवान बुला ले किसको पता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, उनकी ओर से ये बड़ी बात है वो जो कही गई है। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर विपक्ष के नेताओं ने हमला बोला, क्या क्या कहा सुनवाते हैं आपको। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है, उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो, क्योंकि ये जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हजारों साल युगों युग जो आस्थाएं जिंदा रहती हैं उनको 22 दिन में सीमित मत कर दीजिए। भगवान राम की आस्था में अगर वो जा रहे हैं तो उनको उनका सौभाग्य है, और अगर राजनीति हो रही है तो वो दुखद बात है। राजनीति ना हो, भगवान राम की आस्था हो, सभी उसका सम्मान करेंगे, सभी उसको स्वीकार करेंगे। लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर दिवाली मनाने की अपील पर अयोध्या के संत काफी खुश नजर आ रहे हैं। साधु संतों की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी आपको सुनवाते हैं। राम बाहरी नहीं है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है, हिंदू और भारत का, हिंदुस्तान का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है और रहेगा। मैं यही कहूंगा कि इकबाल अंसारी को आदर्श मान करके देश के सभी मुसलमानों को प्रेरणा लेना चाहिए कि नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और देश की अदालत से जो जजमेंट आए उसमें सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। जो आज इकबाल अंसारी ने किया है निश्चित रूप से यह एक बड़ा काम है और एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी कुछ ही देर में मन की बात करने वाले हैं। ये मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी